नमस्कार बच्चों, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं MCQs, और ये MCQs जो हैं ये क्लास सेवन्थ के हैं और चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर आप लोग को याद रखना है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और सिल्क वॉर्म से क्या हम लोग को मिलता है, हम लोग को मिलता है सिल्क। सिल्क को हिंदी में कहते हैं रेशम। तो रेशम का कपड़ा जो है वो इसी सेरीकल्चर प्रोसेस से हम लोग को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। इसमें से कौन सा टाइप सिल्क का नहीं है, तो मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूगा सिल्क और मॉथ सिल्क। तो मॉथ सिल्क इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पहेली वॉन्टेड टू बाय अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर। तो पहेली है, उसको एनिमल फाइबर से एक गिफ्ट चाहिए था विदाउट किलिंग द एनिमल। लेकिन उसको ये एक शर्त थी, मतलब ये उसने कंडीशन लगा दी कि एनिमल की कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय। तो ए ऑप्शन इज वुलन शॉल, बी ऑप्शन इज सिल्क स्कार्फ, सी ऑप्शन इज एनिमल फर कैप एंड डी ऑप्शन इज लेदर जैकेट। तो इसका आंसर देखिए, लेदर जैकेट में भी एनिमल को कहीं ना कहीं मारना पड़ेगा, फर कैप में भी उसकी लेदर की ज़रूरत पड़ती है, ये कह सकते हैं उसकी स्किन की ज़रूरत पड़ती है, सिल्क स्कार्फ कोकून ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वुलन शॉल, यहाँ पे हम लोग को एनिमल को डेड नहीं करने की ज़रूरत है, एनिमल को मारने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन 4th है सिल्क फाइबर इज ऑप्टेन फ्रॉम। तो सिल्क फाइबर किससे ऑप्टेन होता है, तो आंसर आप लोग को याद रखना है कोकून से ऑप्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है वुल फाइबर कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वुल फाइबर को किससे ऑप्टेन नहीं कर सकते, तो मौत से ऑप्टेन वुल फाइबर को नहीं कर सकते हैं। मौत क्या होता है, मौत को तितली कहते हैं, मतलब ये एक तितली का रूप होता है सिल्क, इसको हम लोग सिल्क मौत भी कह सकते हैं, मौत भी कह सकते हैं, और ये तितली है और इससे सिल्क वॉर्म भी इसको कह सकते हैं। तो इससे हम लोग सिल्क ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद गोट है, गोट से हम लोग को वुल मिलता है। लामा भी एक ऐसा एनिमल है जो हम लोग को गोट प्रोवाइड करता है, और अल्पाका भी जो एक एनिमल है वो हम लोग को गोट प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों ही एनिमल्स वुल प्रोवाइड करते हैं, बट मौत हम लोग को वुल प्रोवाइड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन 6 है सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस। तो यहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग से आपको मतलब समझना है, हम लोग ने दो एनिमल्स ले लिए और दो एनिमल्स की कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी और दो एनिमल्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों की हम लोग मिक्स करा देते हैं और एक नया एनिमल का प्रोडक्शन होता है, मतलब एक नया एनिमल जन्म लेता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या चीज़ हम लोग ने सिलेक्ट करी है, तो जो पेरेंट्स थे उसको सिलेक्ट किया गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि पेरेंट्स विद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ आर टू बी सिलेक्टेड वाइल डूइंग अ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट अ शीप शेयरिंग शेड। शेड पे जो शीप शेयरिंग शेड होता है वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, तो रिमूवल ऑफ फ्लीस होता है वहाँ पे। फ्लीस मतलब होते हैं ऊपर के जो भी उसकी बाल रहते हैं या जो कह सकते हैं फर रहते हैं जो भी इस शीप के, तो उसको रिमूव करने का काम कहाँ पे होता है, शीप शेयरिंग शेड में होता है। शेड मतलब एक ढकी हुई चीज़ होती है, जगह होती है, वहाँ पे ये काम होता है। क्या चीज़, रिमूवल ऑफ फ्लीस होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 8th देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 8th में बोला गया है, अभी हम लोगों ने पहले देखा था द टर्म सेरीकल्चर इज यूज फॉर। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। तो रीलिंग आपको समझना है, रीलिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास कोकून हम लोग ऑप्टेन कर लेते हैं, तो कोकून से हम लोग जब थ्रेड बनाते हैं, तो कोकून से थ्रेड बनाने को उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि ये सिल्क रील्स, जो रील्स बनाना होता है वो कहीं ना कहीं रीलिंग ऑफ सिल्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीलिंग ऑफ सिल्क का मतलब है कि कोकून से हम लोग थ्रेड बनाएं, किसके, सिल्क के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है सिल्क वॉर्म सिक्रीट फाइबर मेड अप ऑफ। तो आप लोग को याद रखना है कि जो सिल्क वॉर्म है वो कौन सा फाइबर सिक्रीट करेगा, वो सिल्क सिक्रीट करेगा, और सिल्क में क्या होता है, सिल्क में होता है प्रोटीन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स कहा गया है डैश एंड डैश फाइबर्स आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स से दो फाइबर्स कौन से ऑप्टेन होते हैं, तो एक वुल कह सकते हैं और दूसरा कह सकते हैं हम लोग कॉटन। तो कॉटन इसका आंसर नहीं होगा, मैं आंसर इसका गलत बता रहा हूँ। कॉटन फाइबर इज नॉट ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स, कॉटन फाइबर इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट। तो दूसरा आंसर आप लोग लिख के देंगे, पहला ऑप्शन तो वुल है और दूसरा आंसर जिस बच्चे को आता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखे देगा कि ए का बी पार्ट क्या हो सकता है। हम लोग वैसे उस चीज़ की बहुत चर्चा कर रहे हैं, देखे कौन कौन बच्चा इस चीज़ को बता सकता है। बी
पार्ट में आते हैं, बी ऑप्शन क्वेश्चन बी पे आते हैं, इलेवेंथ के बी पार्ट में आते हैं। इसमें कहा गया है सिल्क फाइबर कम फ्रॉम, तो सिल्क फाइबर कहाँ से आता है, और ऑफ सिल्क डैश, तो सिल्क फाइबर देखिए सिल्क फाइबर जो आता है दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकून, कोकून से आता है, और कोकून किसका, ऑफ सिल्क वॉर्म, तो यहाँ पे वॉर्म आ जाएगा, और पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, पहले ऑप्शन में आ जाएगा कोकून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया है सी पार्ट है हमारे पास, इसमें कहा गया है वुल ईल्डिंग एनिमल्स बियर डैश ऑन देयर बॉडी, तो वुल ईल्डिंग जो वुल ईल्ड करते हैं, जो हम लोग को वुल प्रोवाइड करते हैं, उन एनिमल्स के शरीर पे या स्किन के ऊपर क्या होता है, तो उनके ऊपर बाल होते हैं या हेयर्स होता है, दे बियर हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ डैश, तो देखिए हेयर किस चीज़ को ट्रैप कर लेते हैं, किस चीज़ को हेयर्स ट्रैप करते हैं, तो वो हमको समझना है कि एयर को ट्रैप कर लेते हैं, हवा ट्रैप कर लेते हैं, और उस हवे की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और आप लोग ने देखा भी होगा कि जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो लोग कहीं ना कहीं जाड़े वाले मतलब ठंड वाली जगहों पे रहते हैं, ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि एयर जो है दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पे आ जाएगा कंडक्टर, तो हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वर्ड कंप्लीट द गिवन कोरिलेशन, तो कौन सा वर्ड यहाँ पे आना चाहिए जो इस कोरिलेशन को कंप्लीट कर देगा, तो इसमें देखिए सिल्क के साथ कोकून दिया हुआ है, मतलब सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून, तो वुल के साथ क्या हो जाएगा, तो वुल के साथ आ जाएगा फ्लीस ऑफ शिप, तो फ्लीस ऑफ शिप से हम लोग को वुल प्रोवाइड होता है, वुल ऑब्टेन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है डैश टाइप ऑफ वुल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट, तो मार्केट में सबसे ज़्यादा वुल कौन सा अवेलेबल होता है, तो वो शिप वुल है, तो आप लोग को याद रखना है कि शिप वुल जो है दैट इज़ मोस्ट अवेलेबल या कॉमनली अवेलेबल इन दी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर सिल्क इंडस्ट्री बिगेन, तो सिल्क इंडस्ट्री आप लोग को याद रखनी है कहाँ बिगनिंग हुई है सिल्क इंडस्ट्री की, तो इट बिगेन फ्रॉम चाइना। आगे बढ़ते हैं, अच्छा चाइना से एक चीज़ हमको याद आती है, जरा चाइना की सब लोग कैपिटल जरूर लिख के दें, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्मीना शॉल्स आर फाउंड इन, तो पश्मीना शॉल कहाँ पाई जाती हैं ये बताना है, तो पश्मीना शॉल इज़ फाउंड इन कश्मीर, तो हमारे कश्मीर में पश्मीना शॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉल्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी शॉल्स होती हैं, वो पाई जाती हैं, वो वहाँ पे मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहा गया है सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मॉथ इज़, तो आपको बताया था अभी हमने सिल्क जो होता है वो क्या होता है, वो एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम, तो वुलन क्लॉथ्स आपको पता है वुल से वुलन क्लॉथ्स बनते हैं, वुल कहाँ से ऑप्टेन होता है, तो वुल इज़ ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17th का आंसर हो जाएगा ए दैट इज एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज आर यूज फॉर क्लॉथिंग इन एंशियंट टाइम्स, तो एंशियंट टाइम्स में किस चीज़ को यूज़ करते थे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज एनिमल स्किन, ये यूज़ होती थी, सेकंड ऑप्शन इज लीव्स, ये भी यूज़ होती थी, और सी ऑप्शन इज वाइंस होती हैं, छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं, तो उनको वाइंस कहते हैं, तो इस क्वेश्चन में तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है फॉर हाउ लॉन्ग डू द कैटरपिलर्स ईट मलबरी लीव्स, तो मलबरी को हिंदी में शहतूत कहते हैं, तो आपको पता होगा कैटरपिलर शहतूत खाते हैं, पूछा गया है कितने दिनों के लिए खाते हैं, तो 25 to 30 days इज द ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, बार बार मैंने इसको डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इसको कहते हैं सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करी जाएगी तो प्रैक्टिस होती है, और किस चीज़ की प्रैक्टिस होती है, ग्रोइंग जो हम लोग फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, जो फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, तो फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करने की जो प्रैक्टिस होती है, जो साइंस होती है, उसी को क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर आपको पता है क्रॉप्स ग्रो करने की जो प्रैक्टिस होती है दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। एंड एक्वाकल्चर की बात करी जाएगी तो इसमें एक्वा मतलब होता है वाटर, विच इज़ रिलेटेड टू वाटर, तो वाटर पे बेस्ड जो प्लांट्स होते हैं या वाटर एनिमल जो होते हैं उनकी जो हम लोग मतलब प्रोडक्शन करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें कहा गया है हमारे पास क्लॉथ डज नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो किस कंडीशन से क्लॉथ हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं करता, तो हीट से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, डस्ट एंड जम से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर से प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बताइए आप लोग, बिल्कुल सब लोग बताएंगे कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो मशीन यूज़ होती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसका नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड ऑफ कैटरपिलर इन केस ऑफ सिल्क मॉथ. तो सिल्क मॉथ जो होता है उसमें जो कैटरपिलर होगा, मतलब जो कैटरपिलर होता है सिल्क मॉथ का, उस वो कैटरपिलर किस चीज़ को खाता है. तो इट दे ईट्स मलबरी लीव्स, वो शहतूत के पत्तियों को खाता है. ठीक है, दैट इज देयर फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन है. हाँ लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ शिप along with the thin layer of skin is called. तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं. और शेयरिंग के लिए हम लोग ब्लेड्स यूज़ करते हैं, ट्रिमर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को शेयरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है. तो शेयरिंग आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं जिनमें स्किन होती है, जिनमें फर्स होते हैं, जिनमें जिससे हम लोग वूल निकाल सकें, तो उनको कटआउट किया जाता है, उनको शेयर आउट किया जाता है. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं. ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं. अगले टर्न पे हम लोग अगला चैप्टर लेके आएंगे. टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद.